गौहर खान ने पूजा भट्ट, मनीषा रानी और एल्विस यादव और अभिषेक मलान के बारे में क्या कहा है और क्या क्या बातें उन्होंने बोली हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। इस समय अगर देखा जाए तो यार गौहर जो है इनको बहुत, गौहर ऑलरेडी बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी और जितना एक्टिवली बिग बॉस ही देखती हैं उतनी ही एक्टिवली अपनी राय भी रखती हैं, उतनी विभागी से अपनी बातें भी रखती हैं, जो कि जिस तरीके से जब भी सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो गौहर किसी ना किसी, मतलब जो भी बिग बॉस का मुद्दा होता है, उसमें कोई फाइट होती है तो उस पर इनके ओपिनियन जो है वो सबसे ज़्यादा सुने भी जाते हैं कभी कभी, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं वेट करते हैं गौहर के ओपिनियन का। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, उर्फी जावेद ने अपने टॉप थ्री बता दिए और करण कुंद्रा ने अपने टॉप थ्री बताया, जिसके बाद इंतज़ार था कि अब गौहर भी अपने टॉप थ्री बताएं, जिसके बाद गौहर ने अपने टॉप थ्री बताए हैं, लेकिन लास्ट जब उन्होंने नाम लिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, तो वो थोड़ा सा उनको मर्ज अप करना पड़ा कि यार थोड़ा चेक कर लेते हैं कि दो लोगों का नाम ले सकते हैं क्या। अगर देखा जाए तो इस समय बिग बॉस के घर में गौहर खान जो है पूजा भट्ट को लेकर कहते हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत ओपिनियटेड है। उनके टॉप थ्री में है पूजा भट्ट, मनीषा रानी और नंबर थ्री पर आते हैं एल्विस और अभिषेक एक साथ। बोलती है कि मैं इन दोनों को अलग नहीं कर सकती, दोनों भाई हैं और दोनों को अलग नहीं कर पाऊंगा। सरसर गौहर ने ये भी कहा वीडियो में कि मैं बिग बॉस की बहुत अवर्ड वॉचर हूँ और उसी के साथ साथ मेरे घर में लाइव फीड भी चलती रहती है। और मनीषा रानी को लेकर जो बात उन्होंने कही है, गौहर कहती है कि वो बहुत बिंदास है, दिल की बहुत साफ है और उसका गेम मुझे सुपर डुपर पसंद आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मनीषा जो है वो टॉप थ्री में आए और होप सो इस शो की विनर भी बने, गारंटीड मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ पूजा भट्ट, जो कि बहुत ऑब्वियस था क्योंकि पूजा भट्ट को लेकर उन्होंने ऑलरेडी दो तीन ट्वीट्स किए हुए हैं तो सबको ये पता था कि पूजा भट्ट को ही सपोर्ट करिए गौर, लेकिन एल्विस और अभिषेक का जब उन्होंने नाम लिया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग खुश भी हुए उस बात पे कि चलो एल्विस और अभिषेक को भी गौर सपोर्ट कर रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।